अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा आज थर्ड डे है। कल आई थी हॉस्पिटल से वापस, परसों आई थी आई थिंक, हाँ परसों आई थी। और यह है कि कल कुछ भी नहीं शूट किया, बहुत बिज़ी रहा था दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। ज़्यादा दो दो साइड पे ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, और ब्रेस्ट की भी हुई है, एक्सिला की भी हुई है। फिर सारे गेस्ट, सारे रिलेटिव्स, सब लोग एक एक करके आ रहे थे मुझे देखने के लिए, मेरी तबीयत पूछने के लिए। सबका थैंक यू सो मच दिल से। अभी भी मेरी जो ये है बेल्ट बंधा हुआ है पूरा, और बस ये है। आज भी गेस्ट आए थे, और अभी भी पेन तो अभी भी है, उठना लेट नहीं पा रही बिल्कुल भी, मतलब किसी तरह ना सीधा लेट पा रही हूँ, ना साइड पे करवट पे लेट पा रही हूँ। बैठी हूँ ऐसे तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन खड़ी हो रही हूँ, चल रही हूँ, या लेट, मतलब लेट नहीं पा रही मैं। एक एक रात में मैं सुकून से नहीं सोई। अभी ट्यूसडे को फॉलोअप है मेरा, तो फिर मैं डिस्कस करूँगी डॉक्टर से। और जो पट्टी थी, बैंडेज थी स्टिचेस के ऊपर, वो कल खोलनी थी, नहीं आज खोलनी थी, तो वो खोल चुकी हूँ मैं। और फिर भी ये बेल्ट बंधा हुआ है, उन्होंने बांध के रखने का बोला है जब तक फॉलोअप के लिए मैं नहीं चली जाती। और इसके अलावा जो है रिपोर्ट जो है वो जिस दिन सर्जरी हुई है उसके 12वें दिन तक आनी है, और सारे फोकस, सारी नज़र, सारा ध्यान मेरा उस रिपोर्ट के ऊपर है, हम सब का, कि अल्लाह करे कि वो कैंसर फ्री आए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सब लोगों की दुआओं से। और मैंने छोटे एक दो जो है वीडियोस डाली थी जब हॉस्पिटल गई थी, जब हॉस्पिटल में थी, या जब जिस दिन घर वापस आई थी, उस पर आप लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, बहुत सारी दुआएं दी। थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और उन सब लोगों का थैंक यू सो मच जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ मेरे पास आए। अभी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, मेरी कज़न जो अभी तक मेरे पास है, ये आई थी मेरी सर्जरी से एक दिन पहले, और वो अफ्तारी आलमोस्ट रेडी है, थोड़ी देर में दस्तरखान लगेगा जो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस बड़ा मिस कर रही थी मैं आप सब लोगों को, मैंने कहा अभी थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ, अभी तबीयत की अपडेट दे दूँ। और बाकी ये है कि बस कल का दिन है, परसों फॉलोअप विज़िट है, डॉक्टर के पास जाना है, और उसके कुछ दिनों बाद रिपोर्ट भी आ जाएगी, और फिर उसके बाद रेडिएशन का शेड्यूल है, देखते हैं क्या होता है। तो जो भी कुछ होगा आपसे शेयर होगा इंशाल्लाह। तैयारी स्टार्ट हो गई है, वाटरमेलन जो है वो फ्रूट चाट में नहीं डलता, इसलिए इसको सेपरेट काटा है। और यहाँ पे हैं मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े, ये है फ्रूट चाट। और इसके अलावा खदीजा सिद्रा, इसका ओपन करो, चाट ही सकती है, कल दही बड़े थे। अच्छा, दही बड़े हैं, और यहाँ पे है ये शरबत, और ये यहाँ प्यालियाँ, स्पून। और सिद्रा आज करेगी अस्सलाम वालेकुम इतने दिनों से, और क्या कहेंगी आप? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और बेल आइकन एंड कमेंट करना मत भूलना। और मम्मा के बगैर 3 डेज कैसे गुजरे आपके? मम्मा को मिस किया? हाँ। कितना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा दुआ की थी मम्मा के लिए? हाँ। क्या कहा था? तो ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है वापस रूटीन में आना, लेकिन अभी तक मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया। घर के जो दूसरे काम हैं उसके लिए मैड है, वो आके करके चली जाती है। अफ्तारी और सुबह नाश्ते के लिए मेरी कज़न रुकी हुई है, अल्लाह ताला उसकी रसीब अच्छी करे, बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं उसके लिए। वो नहीं होती तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती, क्योंकि मैं हॉस्पिटल भी बेफिक्र होकर चली गई थी, और अभी भी जब से हॉस्पिटल से आई हूँ तो मेरे छोटे मोटे काम, खाने पीने का, बच्चों का, घर का, सब सारा ध्यान वो रखती है, और बहुत बहुत दिल से दुआ निकलती है उसके लिए। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी शादी है।
और अभी यह है कि साद और खदीजा को बुलाना है और फिर थोड़ी देर में इफ्तार का टाइम होने वाला है, फिर करते हैं इफ्तार। और बस यह है कि हाँ, याद आया, एक डिटेल वीडियो मुझे बनानी है, आप लोगों से शेयर करना है टोटल एक्सपीरियंस जो कि यहाँ से घर से जाने और वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर्स हुए मेरे साथ और सर्जरी और ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ से जाने से जाने और वहाँ से वापस आने तक का जो भी एक्सपीरियंस था वो सारा मुझे एक डिटेल वीडियो आपसे शेयर करनी है इंशाल्लाह। वो अभी इसलिए नहीं कर पा रही कि एक तो मैं बोल नहीं पा रही, इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती, और दूसरा एकदम से गले में ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है तो फिर मैं फिर खांसी खांसी होना हो जाती है, और खांसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्टिचेस पे जो है ना असर पड़ता है, तो मैं नहीं बोल सकती इतना, इस वजह से मैं अभी डिले कर रही हूँ और डिटेल जो आप लोगों से बात करनी है सर्जरी के हवाले से। तो अब ये है कि एक तो सांस फूल जाती बात करते हुए, और दूसरा ये कि गले, क्योंकि 6 आवर्स की जो है वो बेहोशी थी, पूरे 6 घंटे ऑपरेशन चलाए, 2:05 पर स्टार्ट हुआ था और अफ्तारी के बाद 7:30 बजे मुझे निकाला गया था। तो ये सारा आपसे शेयर करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन एक दो दिन थोड़ी सी तबीयत स्टेबल हो जाए तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करें। तो ये सब कितने नहीं हट वेंदा, अजान हो रही है, अफ्तारी का टाइम हो गया है, चलो बैठो उधर से, औसिदरा आप उधर जाओ, भैया को बैठने दो, खदीजा हाँ आप भैया बैठने दो, आपने सबसे पहले वाटरमेलन उठा लिया, सिदरा खजूर उठाते ना सबसे पहले, और बाल भी नहीं बनाए आपने, एक पिन लगा लेती। तो ये सब कितने नहीं हट वेंदा, तो बस ये है कि आज थोड़ा बहुत कोशिश की आप लोगों से बात करने की और थोड़ा बहुत शूट किया, मैंने कहा फिर ये है कि एक रूटीन बनी हुई थी डेली आप लोगों से बात करने की और ऐसे सामने आने की, फिर ये है कि वो एक रूटीन जो है ना आदत ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है और वो ड्यूरेशन ज़्यादा था, बता चुकी हूँ बेहोशी का, इसलिए जो है ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती, तो फिर भी मैंने थोड़ी सी आज वीडियो बना दी है ताकि ये है कि बहुत सारी सिस्टर्स जो है मैंने कहा वेट कर रही होंगी कि क्या हुआ, तबीयत कैसी है और क्या अपडेट है। साथ नहीं तंग करो बेटा, उसको इरिटेट हो रही है, तंग नहीं करो। अच्छा अभी बाबा क्या बोल कर गए, सोना है ना, फिर नहीं तंग करो उसको प्लीज़। अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो बस बच्चों का ये जो है चलता रहता है, और अभी भी हस्बैंड गए हैं मेरे, इनको बोल कर गए हैं कि अपनी जो है बैग वगैरह पैक कर लो, क्योंकि इनके चेक पॉइंट्स चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, कल तैयारी है, कल सेकंड पेपर है इन लोगों का। तो अब ये है कि बस अल्लाह हाफिज़ कहूँगी आप सब लोगों को, थैंक यू सो मच इतना मोहब्बत देने के लिए, इतनी सारी दुआएं देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी ऐसे 4-5 मिनट की वीडियो बना दिया करूँ, आप लोगों से बात कर लिया करूँ, तो ये है कि मुझे भी जो है थोड़ा सा वो हो जाता है कि एक कमी सी फील होती है जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।